चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं हूं ज्योति मनराल आपके साथ। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर के चुनाव प्रचार में पहुंचे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव। वे हजारों समर्थकों के बीच थिरके और साथ ही भाजपा को वोट देने की भी अपील की। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस भीड़ को देखकर अपने आप में कई कहानियों को लिखा जा सकता है कि वास्तव में ये भीड़ वोट बैंक है या सिर्फ भीड़ है, ये किसी पार्टी के कैडर वोटर हैं या सिर्फ चुनावी जलसा का आनंद उठाने वाले लोग। लेकिन जो भी हो, इस भीड़ को देखकर के राजनेता का गदगद होना लाजमी है, क्योंकि जिस भी राजनेता के पक्ष में ये भीड़ खड़ी हो, उस राजनेता की जीत को लेकर के कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता है। यह रैली है पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गौतम गंभीर के लिए। गौतम गंभीर, हां, जो कभी क्रिकेट में पिच पर शतकों की बौछार लगाते थे, जो कभी क्रिकेट के मैदान पर अपने विवादों के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब राजनीति के पिच पर भी कुछ ऐसे ही पारियां खेलने के लिए बेताब हैं क्रिकेटर गौतम गंभीर। पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। गौतम गंभीर समाज सेवा के लिए जरूर जाने जाते हैं, लेकिन हाँ, आक्रामक तरीके से जवाब देना भी गौतम गंभीर को खूब आता है। गौतम गंभीर के लिए वोट मांगने पहुंचे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव ने भी मंच से पूर्वांचलियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार वो गौतम गंभीर को वोट जरूर दें, भारतीय जनता पार्टी को वोट जरूर दें, और शायद इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की बात करती है। लेकिन खेसारी लाल यादव का गुस्सा कुछ और ही था। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनोज तिवारी के लिए विवादित बयान दिया है, उसके बाद इस भोजपुरी स्टार का गुस्सा होना लाजमी था। बताइए, जब यहाँ के नेताओं को भारत माँ के जय बोलने में इतना प्रॉब्लम है, तो बताइए भारत का विकास कैसे करेंगे। हमको यही लगता है कि भारत माँ की जय मोदी जी ने बोल दिया है, तो हम क्यों बोलें। तो अगर मेरा भाई अपने माँ को माँ कह देगा, तो हम अपने भाई को मैं ना कहो। माँ तो माँ होती है। आज अपनी माँ को माँ का जयकारा लगाने में नेताओं को प्रॉब्लम हो रही है। ये बड़ा दुख की बात है कि मोदी जी ने अगर भारत माँ की जय बोल दिया, तो हम नहीं बोलेंगे। गौतम गंभीर ने जनसभा को संबोधित करते हुए साफ साफ कहा कि राजधानी दिल्ली के विकास के लिए, पूर्वी दिल्ली के विकास के लिए और तमाम ऐसे कार्यों के लिए जो अभी तक नहीं हो पाए हैं और जो राजधानी में होना चाहिए था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। गौतम गंभीर ने जनसभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि एक बार उन्हें सेवा का मौका दें और वो पूर्वी दिल्ली में विकास के उन सभी कामों को करने का प्रयास करेंगे जिस काम के बदौलत पूर्वी दिल्ली की एक अलग पहचान हो। एक चीज छोटी सी कहना चाहूंगा कि 12 तारीख को जब आप घर से निकले, तो किसी भी झूठे वायदे से प्रभावित ना हो। जिस तरीके से 4.5 साल पहले आम आदमी पार्टी ने सारे दिल्ली वासियों को दिया था, बड़े बड़े वायदे किए कि हम दिल्ली को लंदन, पेरिस और पता नहीं क्या क्या बनाएंगे, 100 स्कूल, 100 कॉलेजेस, और वो सारे वायदे आज उन सारे वायदों को ना पूरा करने के बाद आज स्टेटहुड के मुद्दे के पीछे छुपे हुए हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये विनती करना चाहता हूँ, 12 तारीख को ऐसी पार्टी को वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए जो आपकी उन्नति में, आपके विकास में। हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा और लबों पे मोदी मोदी का उच्चारण, यह अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों के दिलों में कुछ ना कुछ तो है। लेकिन क्या ये चुनाव के दिन तक मौजूद रहेगा, ये देखना गौरतलब होगा। इस कार्यक्रम में पूर्वांचल मोर्चा के द्वारा, दोनों जिला के जिला अध्यक्षों के द्वारा ये कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, और यह एक मैसेज है कि पूर्वांचल के लोग गौतम गंभीर के साथ हैं, पूर्वांचल के लोग मनोज तिवारी जी के साथ हैं, पूर्वांचल के लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, यही मैसेज है। टोनियुद्ध के साथ अनुज मिश्रा की रिपोर्ट, इंडिया टाइम 24 न्यूज। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।